आप सबों को मेरा नमस्ते। ह्यूमन वैल्यूज इन मध्यस्थ दर्शन इस कोर्स में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ये हम लोगों की आखिरी कक्षा है, तो इसमें हम लोग अभी तक जिन पूरी चर्चाओं को किया है उसको बहुत संक्षेप में एक बार फिर से स्मरण करने का प्रयास करेंगे। तो अगर पूरे कोर्स को देखें तो तीन भाग में हम लोगों ने बांट करके इसका अध्ययन किया था। पहले भाग में हम लोगों ने मानव मूल्य का तात्पर्य क्या है, उसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता क्या है, किसी दर्शन के साथ उसका क्या अंतर संबंध है, इस संदर्भ में जिस मध्यस्थ दर्शन को हम अध्ययन करने का निर्णय ले रहे हैं उसकी क्या मूलभूत विशेषता है जिसके आधार पर हमने अध्ययन का निर्णय लिया है, इन बातों को समझने का कोशिश किया था। दूसरे भाग में हम लोगों ने मध्यस्थ दर्शन में प्रस्तुत अस्तित्व की वास्तविकताओं को अध्ययन करने का प्रयास किया, और ये दूसरा भाग ही हमारे कोर्स का एक मुख्य भाग था। तीसरे भाग में हम लोगों ने अस्तित्व की इन वास्तविकताओं की समझ के आधार पर वर्तमानकालीन समाज की समस्याओं का समाधान किस रूप में होता है इसको समझने की कोशिश की थी। तो ये तीन भाग में हम लोगों ने अध्ययन को किया। पहले भाग में मानव मूल्य की आवश्यकता और प्रासंगिकता को समझने का, दर्शन के साथ उसका अंतर संबंध समझने का, इस रूप में मध्यस्थ दर्शन की कुछ मूलभूत विशेषताओं को समझने का काम किया। दूसरे भाग में हम लोगों ने मध्यस्थ दर्शन में बताए गए अस्तित्व की वास्तविकताओं को समझने की कोशिश की, और तीसरे भाग में अस्तित्व की इन वास्तविकताओं की समझ के आधार पर आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनका निराकरण किस रूप में दिखाई देता है इसको समझने का प्रयास किया। तो मूल्यों के बारे में हम लोगों ने ये बात की थी कि किसी इकाई की मौलिकता या आचरण ही उसका मूल्य है। इस रूप में मानव मूल्य को देखने जाएं तो मानवीय आचरण या मानवीयता पूर्वक जीना यही मानव का मूल्य है। तो मानव मूल्य भी वही मौलिकताएँ हैं जिसके आधार पर आदमी की मौलिक पहचान होती है, यानी आदमी आदमी की तरह जी पाता है। तो मनुष्य को देखें तो मनुष्य एक भाव प्रधान इकाई होने के कारण ये जो विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, ये जो सारे मूल्य हैं यही मानव मूल्य हैं संबंध की परस्परता में जीते हुए। इसी तरह से व्यवस्था में भागीदारी के क्रम में जीते हुए देखने जाएं तो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, इन सबों के साथ जीना यही मानवीयता पूर्वक जीना है। इसीलिए ये धीरता से लेकर के करुणा तक जो मूल्य हैं, जो भाव हैं, वही मानवीय भाव हैं, मानव मूल्य हैं, यही मानव की मौलिकता है, यही मानव की मुख्य पहचान है। इनके अभाव में आदमी अमानवीय आचरण करता है, अमानवीय व्यवहार करता है। तो मानव मूल्य वो मूल्य हैं जिसके आधार पर मानव स्वयं में तृप्त रहता है और परस्परता में सर्वशुभ के अर्थ में भागीदारी कर पाता है। इसकी आवश्यकता या प्रासंगिकता को देखने जाएं तो आदमी है, मानव है, तो मानव मूल्यों को समझने की और वैसा जीने की आवश्यकता रहेगी ही। आदमी जब तक धरती पर जी रहा है तो आदमी के रूप में जीने का स्वरूप क्या है इसको समझने की और वैसा जीने की ये आवश्यकता तो हमारी बनी ही रहेगी। इसी संदर्भ में हम लोगों ने ये बात की थी कि मानवीय आचरण को ठीक ठीक समझ पाने के लिए, मानव मूल्यों को ठीक ठीक समझ पाने के लिए दो वास्तविकताओं का ज्ञान होना जरूरी है, एक स्वयं का, मानव का, और दूसरा इस पूरी प्रकृति का, पूरे अस्तित्व का, जिसमें दूसरे मनुष्य भी शामिल हैं और ये हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी ये भी शामिल हैं। क्योंकि मनुष्य जब भी अपने आचरण को व्यक्त करता है तो ज़्यादातर समय परस्परता में ही उसको व्यक्त करता है। तो परस्परता में जिन आचरणों के साथ हम जिए इसकी समझ होने के लिए स्वयं की समझ और परस्परता की समझ जरूरी है। इस रूप में मानव की समझ और अस्तित्व की समझ, इन दोनों के आधार पर ही मानवीय आचरण का स्वरूप समझ में आता है, मनुष्य की इस व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप समझ में आता है। तात्पर्य ये कि हमारा इन दूसरी इकाइयों के साथ क्या संबंध है।
इसको ठीक ठीक देख पाने के लिए, पहचान पाने के लिए स्वयं को समझना जरूरी है और इन दूसरी इकाइयों को समझना जरूरी है। तो दर्शन शास्त्र के कोर्स हमको अस्तित्व के बारे में और मानव के बारे में कुछ वास्तविकताओं का विवरण देते हैं। ये विवरण हमें जांच परख के लिए सहजतापूर्वक उपलब्ध हो पाते हैं और उसके जांच परख का हमको एक मौका मिल पाता है ताकि हम भी वास्तविकताओं को ठीक ठीक देख सकें, समझ सकें। तो इस कोर्स का आशय ये नहीं है कि जो बातें कही गई हैं उसको आप मान लें। इस कोर्स का आशय ये है कि जो बातें कही गई हैं उसको एक प्रस्ताव के रूप में स्वीकारें, उसको जांच परख करके देखें तर्कसंगत है या नहीं, व्यवहारिक है या नहीं। ऐसा जीने पर हमारी ज़िंदगी में हारमनी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, संगीतमयता सुनिश्चित होती है या नहीं होती है, इस पूरे जांच परख को करके देखा जाए। इस क्रम में जिस मध्यस्थ दर्शन को हम लोगों ने अध्ययन करने का निर्णय लिया उसकी कुछ मूलभूत विशेषताओं को, सेलियंट फीचर्स को हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी। बहुत संक्षेप में उसको अगर कहें तो ये जो जीवन लक्ष्य है, जो स्वयं का शुभ है निरंतर सुखपूर्वक जीना, और ये जो सर्वशुभ है सर्व मानव का लक्ष्य है समाधान समृद्धि अभय और सहअस्तित्व का सुनिश्चित होना, इन दोनों को साथ साथ पूरा किया जा सकता है, ऐसी एक संभावना इस दर्शन में दिखाई देती है। तो कोर्स के शुरू में हमने ये बात कही थी कि ऐसा है या नहीं इसका निर्णय तो आप कोर्स के अंत में जा कर के ही ले सकते हैं। तो अब चूँकि हम कोर्स के आखिरी दौर से गुजर रहे हैं इसलिए अब आप लौट करके इस बात का आकलन कर सकते हैं कि ये जो विशेषताएं कही जा रही हैं यहाँ ये इस दर्शन में आपको मिली या नहीं मिली, कि ये एक ऐसे विधि और प्रक्रिया की बात करता है या नहीं करता जिससे जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य, स्वयं की जागृति और सर्वशुभ, व्यष्टि लक्ष्य और समष्टि लक्ष्य, ये दोनों साथ साथ पूरे होते हैं या नहीं होते, ये बात अब आप जांच परख करके देख सकते हैं। दूसरा, हमने ये कहा था कि परिवार के एक सदस्य के रूप में जीते हुए अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा किया जा सकता है। तो समाज में जीना और परिवार में जीना ये दोनों को साथ साथ सुनिश्चित किया जा सकता है। और तीसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी बात हम लोग यहाँ करेंगे वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे, एक तर्कसंगत ढंग से बात करेंगे और ऐसी बातों को ही करेंगे जो प्रयोग और व्यवहार में सुगम हो, जिसको जिया जा सकता हो। तो तर्कसंगत होने के कारण, प्रयोग और व्यवहार में इसकी जांच परख हो पाने के कारण और हर मानव के लिए एक समान रूप से सही होने के कारण इसको शिक्षा और व्यवस्था की वस्तु बनाई जा सकती है और सर्व मानव तक इसको पहुँचाने का काम हो सकता है। क्योंकि शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक किसी भी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वह हर मानव को समान रूप से स्वीकृत होना जरूरी है, उसका व्यवहारिक होना आवश्यक है तथा तर्कसंगत विधि से हर क्यों और कैसे प्रश्न का उत्तर होना जरूरी है। इन विशेषताओं के साथ जब हम लोगों ने अस्तित्व की वास्तविकताओं के अध्ययन को शुरू किया तो यहाँ से हमारे कोर्स का दूसरा भाग शुरू हुआ था और चर्चा को हम लोगों ने अस्तित्व के अध्ययन से शुरू किया था कि पहले हम लोग अस्तित्व का अध्ययन करेंगे, फिर उस अस्तित्व में प्रकृति का अध्ययन करेंगे, फिर उस प्रकृति में मानव का अध्ययन करेंगे। ऐसा टॉप डाउन अप्रोच को हम लोगों ने लिया था कि पहले हम समग्रता का अध्ययन करेंगे, फिर उस समग्रता के अध्ययन के क्रम में उसके एक एक भाग का अध्ययन करेंगे। तो अस्तित्व के बारे में हम लोगों ने ये बात कही थी कि अस्तित्व में दो मूलभूत वास्तविकताएँ हैं, एक सत्ता जो सर्वत्र व्याप्त वस्तु के रूप में दिखाई देती है, स्पेस के रूप में दिखाई देता है, ये एक वास्तविकता है, और दूसरी प्रकृति इकाइयों के रूप में वास्तविकता दिखाई देती है। तो इकाइयों के रूप में, एक एक के रूप में जो वास्तविकता दिखती है उसी के समूह को हमने प्रकृति कहा था, और ये जो सर्वत्र व्याप्त वस्तु के रूप में स्पेस दिखाई देता है उसको हम लोगों ने व्यापक या सत्ता शब्द से इंगित किया था। फिर हमने इन दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया था और ये कहा था कि प्रकृति की हर इकाई सीमित या आकार युक्त होती है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है, जबकि व्यापक की कोई सीमा नहीं है। इसी तरह प्रकृति की हर इकाई में कुछ न कुछ क्रिया दिखती है, चाहे छोटा से छोटा परमाणु हो, प्राण कोशिकाएँ हों, सेल्स हों या बड़ी से बड़ी धरती हों, उन सब में
किसी न किसी प्रकार की क्रिया होती हुई दिखाई देती है, जबकि व्यापक को देखें तो व्यापक स्वयं में क्रिया शून्य है, क्रिया रहित है। इसी तरह से प्रकृति को हम लोगों ने ये देखा था कि उसमें बदलाव होता रहता है, उसकी बनावट में, उसकी संरचना में, उसके गुणों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। इस आधार पर प्रकृति स्थितिशील है। स्थितिशील का तात्पर्य उसकी स्थिति में बदलाव तो होता रहता है, लेकिन मूल रूप में जिन अणु परमाणुओं से वो बने हुए हैं उनका नाश नहीं होता, तो किसी न किसी स्थिति में बने रहते हैं बदलाव होने के बावजूद भी। इस रूप में इनको स्थितिशील कहा गया है। जबकि व्यापक को देखें तो व्यापक स्थिति पूर्ण है, उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। और चौथी बात हम लोगों ने ये कही थी कि प्रकृति की इकाइयों को हम आवश्यकता अनुसार तो गिन सकते हैं, लेकिन अगर उनकी कुल संख्या की बात करें तो संख्या में अनंत हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। व्यापक के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ गिनती की बात ही नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा ही हमको नहीं दिखाई देती। इसी के साथ ये जो ऊपर का वाक्य है, अस्तित्व व्यापक या सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में नित्य वर्तमान है, उसमें से व्यापक और प्रकृति के बारे में हमने बात किया। अब ये जो संपृक्तता है, जो इन दोनों का अंतर संबंध है, उसी को हम लोग सहअस्तित्व शब्द से भी इंगित कर रहे हैं। तो सहअस्तित्व का तात्पर्य साथ साथ होने और व्यवस्थित होने से है। तो इस सत्ता और प्रकृति, ये दोनों को देखें तो ये हमेशा साथ साथ होती है और अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई होती है। साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण बात ये दिखाई देती है कि ये प्रकृति सत्ता में डूबी हुई है, घिरी हुई है और भीगी हुई है। यानी ये जो सर्वत्र व्याप्त वस्तु है, जिसको हम सत्ता या व्यापक कह रहे, ये हर इकाई के अंदर भी है, उसकी सीमा पर भी है और उसके बाहर भी है। तो जहाँ इकाई है वहाँ भी व्यापक का होना है, जो इकाई की सीमा है वहाँ भी व्यापक का होना है, और इकाई के बाहर भी सर्वत्र इस व्यापक वस्तु का होना है। तो इस डूबे, भीगे और घिरे होने को एक साथ संपृक्त होना नाम दिया गया है। तो इसी को कहा कि प्रकृति सत्ता में संपृक्त है। इस भीगे होने का तात्पर्य प्रकृति की एक एक इकाई के ऊर्जा संपन्न होने से है, क्रियाशील होने से है। कि प्रकृति की छोटी से छोटी इकाई को देखें या बड़ी से बड़ी इकाई को देखें तो वो ऊर्जा संपन्न दिखाई देती है। ऊर्जा संपन्न होने का प्रमाण यह है कि वो किसी न किसी क्रिया में सतत व्यस्त पाई जाती है। उसी तरह से प्रकृति के सत्ता में घिरी होने का तात्पर्य उसके नियंत्रित होने से है, व्यवस्थित होने से है, एक निश्चित नियम पूर्वक स्वयं में व्यवस्था को बनाए रखने से। तथा डूबी होने का तात्पर्य परस्परता में दूसरी इकाइयों के साथ संबंध को पहचानने और निर्वाह करने से है। इस आधार पर अपने से बड़ी व्यवस्था में, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने से। हम लोगों ने इसका विस्तार कोर्स के अध्ययन के दौरान किया था। इतने अध्ययन के बाद हम लोगों ने प्रकृति को समझने का काम शुरू किया था और कहा था कि ये जो अनंत विविधता दिखती है इस प्रकृति पर, ये शुरू से ही ऐसी नहीं थी, बल्कि काल क्रम में इसका धीरे धीरे प्रकटन हुआ था। और उस प्रकटन को बहुत संक्षेप में हम लोगों ने देखा था कि हवा, मिट्टी आदि की अनुकूलता में पानी, अम्ल, क्षार जैसी चीज़ें बन पाती हैं, और इनकी एक खास अनुकूलता में काई का बनना हो पाता है, जिसका विकास पेड़ पौधों तक होता है। ये पेड़ पौधे आगे विकसित होकर के पशु पक्षियों को उत्पन्न करने का, प्रकट करने का काम कर पाते हैं। वहाँ से क्रमशः विकास होते होते धरती पर भ्रमित मानव का और फिर समझदार मानव का प्रकटन दिखाई देता है। तो किसी भी धरती के विकास क्रम को देखें तो इस क्रम में धरती पर इकाइयों का प्रकटन समझ में आता है। और इसमें से कितना प्रकटन हो गया है किसी धरती पर, इसी आधार पर धरती को अविकसित, अल्प विकसित, अर्ध विकसित या पूर्ण विकसित के रूप में पहचाना गया था। इसमें मुख्य समझने की बात यह है कि चूंकि मानव इस प्रकटन क्रम में बाद में आता है, इसलिए अपनी पहले की इकाइयों पर ये निर्भर है अपने होने के लिए।
तो मनुष्य अपने होने के लिए और अपने व्यवस्थित होकर के जीने के लिए प्रकृति की अन्य इकाइयों पर निर्भर है। इसीलिए उन इकाइयों के साथ जब हम परस्पर पूरकता का निर्वाह करते हैं तभी हम व्यवस्थित होकर के यहाँ जी सकते हैं और हमारी अगली पीढ़ी भी यहाँ जी सकती है। प्रकृति को समझने के क्रम में हमने उनको चार अवस्था में बांट करके देखा था, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। और ये बात कही थी कि इन चारों अवस्थाओं में से कोई भी इकाई किसी भी अवस्था में हो उसके ये चार भाग होते हैं, रूप का, गुण का, स्वभाव का, धर्म का। इसमें से स्वभाव और धर्म का अध्ययन महत्वपूर्ण है। धर्म का तात्पर्य उसके स्वयं के व्यवस्थित होने के स्वरूप से है कि इकाई अपनी व्यवस्था को किस आधार पर बनाई रखती है, कि इकाई है तो जिसका होना है ही उसको धर्म के रूप में पहचाना गया है। इसी तरह से स्वभाव का तात्पर्य उसकी समग्र व्यवस्था में भागीदारी की प्रवृत्ति से है। तो स्वभाव और धर्म के अध्ययन से हमको किसी इकाई के व्यवस्थित होने का और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का सूत्र समझ में आता है। और हम लोगों ने ये बात को भी कहा था कि प्रकृति की इन चार अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अब हम किसी अवस्था की दो चार इकाइयों का अध्ययन करके उस पूरी अवस्था के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो ये स्वभाव और धर्म के एक होने के आधार पर इन अवस्थाओं को वर्गीकृत किया गया है कि जिन इकाइयों का स्वभाव और धर्म एक जैसा है उन्हें एक अवस्था में रखा गया है और जिनका ये स्वभाव और धर्म अलग अलग है उन्हें अलग अलग अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। तो स्वभाव और धर्म को देखें तो पदार्थ अवस्था के धर्म को अस्तित्व के रूप में, प्राण अवस्था के धर्म को अस्तित्व सहित पुष्टि के रूप में, जीव अवस्था के धर्म को अस्तित्व और पुष्टि सहित जीने की आशा के रूप में तथा ज्ञान अवस्था के धर्म को अस्तित्व, पुष्टि और जीने की आशा सहित सुख के रूप में पहचाना था। और धर्म की परिभाषा हम लोगों ने ये की थी कि जिसको कोई भी इकाई धारण की हुई ही रहती है वही उसका धर्म है। तो सामान्य अर्थों में हम जिस अर्थ में धर्म को प्रयोग करते हैं ये आशय वहाँ नहीं है बल्कि उससे भिन्न आशय से इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से स्वभाव को अगर देखें तो पदार्थ अवस्था के स्वभाव को संगठन विघटन के रूप में, प्राण अवस्था के स्वभाव को संगठन विघटन सहित सारक मारक होने के रूप में, जीव अवस्था के स्वभाव को क्रूर और अक्रूर के रूप में तथा ज्ञान अवस्था के स्वभाव को धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के रूप में पहचानने की कोशिश की थी। और इसमें भी मुख्य रूप से देखेंगे तो ये जो मानवीय स्वभाव है धीरता, वीरता, उदारता और दया, कृपा, करुणा, इनको मुख्य रूप से समझने की ज़रूरत है क्योंकि प्रकृति की बाकी इकाइयाँ अपने स्वभाव को अभिव्यक्त कर ही रही हैं, उसी अर्थ में जी रही हैं। ये मनुष्य है जो समझपूर्वक ही मानवीय स्वभाव को अपने में सुनिश्चित कर पाता है और परस्परता में जीने में अभिव्यक्त कर पाता है। इसलिए मानवीय स्वभाव को ठीक ठीक समझने की ज़रूरत है और अध्ययन और अभ्यास पूर्वक उसको अपने में सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। इसी क्रम में हम लोगों ने प्रकृति को जड़ और चैतन्य इन दो भागों में बांट करके भी अध्ययन किया था और ये कहा था कि जड़ इकाइयों में सिर्फ पहचानने और निर्वाह करने की क्रिया होती है जबकि चैतन्य इकाई को देखें तो पहचानने और निर्वाह करने के साथ साथ मानने और जानने की भी क्रिया होती है। तो ये मानना और जानना ये दो क्रिया विशिष्ट है चैतन्य में जड़ की तुलना में। इसी तरह से दूसरा अंतर ये दिखा था जब हम लोग प्रकृति की क्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे तो ये बात देखे थे कि जड़ इकाइयों में भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हुआ करती हैं अर्थात भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं जबकि चैतन्य इकाई को देखें तो उसमें किसी भी प्रकार का भौतिक या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता बल्कि आशा, विचार, इच्छा, संकल्प यानी चित्रण, विश्लेषण, तुलन, चयन, आस्वादन जैसी क्रियाएं दिखाई देती हैं। तो क्रियाशीलता तो चैतन्य इकाई में भी दिखाई देता है, जीवन में भी दिखाई देता, लेकिन इसकी क्रियाशीलता भिन्न है जड़ प्रकृति की क्रियाशीलता की तुलना में। तो जड़ प्रकृति में भौतिक और रासायनिक क्रियाएँ होती हैं जबकि जीवन में देखेंगे
तो चैतन्य क्रिया होती है, जीवन क्रिया होती है। तो अभी तक की चर्चा को अगर देखेंगे तो हम लोगों ने ये बात कही कि अस्तित्व सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में नित्य वर्तमान है, और इस प्रकृति की चार अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था के अंतर्गत सभी मानव आते हैं, क्योंकि ज्ञान को सुनिश्चित करना और ज्ञानपूर्वक जीना हर मानव की आवश्यकता है। और अस्तित्व और प्रकृति के अध्ययन के बाद फिर हम लोगों ने मानव के अध्ययन को विस्तृत करके करना शुरू किया था। तो मानव को अगर देखें तो जीवन और शरीर इन दोनों का संयुक्त रूप है। इसमें से शरीर को देखें तो प्राण कोशिकाओं से बनी हुई प्राण अवस्था की एक रचना है, जबकि जीवन को यहाँ पर एक गठनपूर्ण परमाणु के रूप में पहचाना गया है। और इस बात को हमने चर्चा के दौरान भी ध्यान दिलाया था कि जीवन के बारे में जो भी बात यहाँ कही गई है उसको एक अवधारणा की तरह, एक संकल्पना की तरह, एक हाइपोथेसिस की तरह लिया जाए और अपने में जांच परख करके देखा जाए कि अगर हम इस संकल्पना को स्वीकारते हैं तो इसके आधार पर आज के दिन जितनी क्रियाओं को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं, वो सब प्रॉपरली एक्सप्लेन होते हैं या नहीं। तो जीवन को एक ऐसे परमाणु के रूप में स्वीकारा गया है जिसके होने की निरंतरता है, जिसका विभाजन नहीं होता, जो अपने को सतत बनाए रखता है। और इस जीवन में देखें तो पांच बल और पांच शक्तियां पहचानी गई। तो आत्मबल, बुद्धि बल, चित्त बल, वृत्ति बल और मनोबल, इस रूप में पांच बल पहचाने गए हैं, तथा प्रमाण, रितंभरा, इच्छा, विचार और आशा, ये पांच शक्तियां पहचानी गई हैं। तो जीवन इन पांच बल और पांच शक्तियों का अविभाज्य समुच्चय है। इन्हीं बल और शक्तियों को जब क्रियाओं के रूप में देखते हैं तो बल स्थिति क्रिया के रूप में व्यक्त होते हैं और शक्तियाँ गति क्रिया के रूप में व्यक्त होती हैं। तो जीवन की स्थिति क्रिया को हम लोगों ने अनुभव, बोध, चिंतन, तुलन और आस्वादन के रूप में पहचाना था, तथा इसकी गति क्रिया को प्रामाणिकता, संकल्प, चित्रण, विश्लेषण और चयन के रूप में पहचाना था। इसी के साथ हम लोगों ने मानव लक्ष्य के बारे में बात की थी कि व्यक्तिगत रूप में देखें तो स्वयं में विश्राम को सुनिश्चित करना, निरंतर समाधान को सुनिश्चित करना, जागृति को सुनिश्चित करना, ये हमारा लक्ष्य दिखाई देता है। दूसरी तरफ समाज के संदर्भ में देखें तो हर व्यक्ति में समाधान, हर परिवार में समृद्धि, पूरे समाज में अभय और प्रकृति में अस्तित्व में सहअस्तित्व का प्रमाणित होना, ये लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। महत्वपूर्ण बात इसमें समझने की यह है कि ये व्यक्तिगत लक्ष्य और सामूहिक लक्ष्य, ये दोनों परस्पर पूरक हैं। जैसे जैसे कोई मनुष्य अपने में व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करने के अर्थ में समाधानित होता है, जागृत होता है, वैसे वैसे समाज और व्यवस्था में सर्वशुभ के अर्थ में सटीकता से भागीदारी कर पाता है। दूसरी तरफ से जैसे जैसे समाज और व्यवस्था में सर्वशुभ स्थापित होता है, वैसे वैसे वो समाज अपनी सीमा में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए जागृति के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करता है, साधन प्रदान करता है, सहयोग प्रदान करता है। तो इस व्यक्तिगत लक्ष्य को देखें और सामूहिक लक्ष्य को देखें तो ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर पूरक हैं। तो ये मानव जो जीवन और शरीर इसका संयुक्त रूप है, इसकी आवश्यकता को देखें तो शरीर की आवश्यकता के रूप में भौतिक समृद्धि तथा जीवन की आवश्यकता के रूप में बौद्धिक समाधान समझ में आता है। जिस वस्तु को भी हम आवश्यकता के रूप में स्वीकार लेते हैं उसको पूरा करने के लिए हम मन, तन, धन, इन सबों का नियोजन करते ही हैं। और इन दोनों आवश्यकताओं में भी देखें तो बौद्धिक समाधान हमारी प्रधान आवश्यकता है। इन दोनों आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए तो उसके लिए ये बात लिखी है कि भौतिक समृद्धि के लिए विज्ञान का अध्ययन जरूरी है, कर्माभ्यास जरूरी है, तथा बौद्धिक समाधान के लिए विवेक का अध्ययन जरूरी है, व्यवहार और विचार अभ्यास जरूरी है। विवेक के अध्ययन का तात्पर्य चैतन्य के अध्ययन से, जीवन के अध्ययन से, जीवन के भाव और विचारों के अध्ययन से है। तो इस बौद्धिक समाधान को सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन और अभ्यास सर्वोपरि क्रियाकलाप है। अध्ययन का तात्पर्य
वास्तविकताओं के विवरण पर ध्यान देने से और उन्हें समझने का प्रयास करने से है। जैसे इस कक्षा में जो हम लोग सब मिल करके प्रयास कर रहे हैं वो अस्तित्व की वास्तविकताओं के विवरण पर ध्यान देने का कोशिश कर रहे हैं और अंततोगत्वा उसको समझ करके अस्तित्व में अपने में उसको देखने का कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह अभ्यास का तात्पर्य है समझ के आधार पर अपने व्यवहार को, अपने कार्य को, अपनी जीवन क्रियाओं को व्यवस्थित करने का बारंबार प्रयास करना। तो अध्ययन और अभ्यास की उपलब्धि ये होती है कि हम अपने में समझदारी को, बौद्धिक समाधान को, निर्भ्रमता को, जागृति को सुनिश्चित कर पाते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि हम किन किन वास्तविकताओं का अध्ययन करें। तो ये दिखता है कि अध्ययन की मूल वस्तु तो पूरा अस्तित्व ही है, लेकिन इस पूरे अस्तित्व में हम प्रधान रूप से मानव और उसके व्यवस्थित होकर के जीने के स्वरूप का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये अध्ययन का सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हम व्यवस्थित होकर के जी सकें, अपने में निरंतर तृप्ति को सुनिश्चित कर सकें, परस्परता में हमारा जीना व्यवस्थित हो सके। तो स्वयं में तृप्ति को सुनिश्चित करने के संदर्भ में, परस्परता में व्यवस्थित होकर के जीने के संदर्भ में जिन वास्तविकताओं को समझने की ज़रूरत है, प्रधान रूप से हम उसी का अध्ययन करने का काम करेंगे। तो इसी तरह से हम लोगों ने मानव के अध्ययन क्रम में ये बात कही कि जागृति की विभिन्न स्थितियों के आधार पर मानव की तीन कैटेगरी दिखती है, अमानव, मानव और अति मानव। हम लोगों ने विस्तार से मानवीयता, अमानवीयता और अति मानवीयता, इन तीनों ही स्थितियों में हमारी दृष्टि कैसी होती है, हमारा स्वभाव कैसा होता है, हमारी प्रवृत्ति कैसी होती है, इसका विस्तार से अध्ययन किया था। तो अमानव को दो भाग में बांट करके हम लोगों ने देखा था, पशु मानव और राक्षस मानव। और ये कैटेगराइजेशन का आशय ये था कि ये जो अमानव में हमारी प्रवृत्ति दीनता, हीनता और क्रूरतापूर्वक जीने की होती है, उसमें प्रधानता किसकी है। दीनता की प्रधानता के आधार पर उसको पशु मानव नाम दिया गया था और क्रूरता की प्रधानता के आधार पर राक्षस मानव नाम दिया गया था। इन दोनों ही स्थितियों में जीते हुए हमारी दृष्टि प्रियहित लाभ की होती है, जबकि मानव के रूप में जीते हुए हमारा स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता का होता है तथा दृष्टि कम से कम न्याय की होती है। जैसे जैसे हम मानव पद में क्रमशः विकसित होते जाते हैं, अति मानव की ओर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी दृष्टि में धर्म की और सत्य की प्रधानता होती चली जाती है। तो धर्म प्रधान दृष्टि से जीने को देव मानव के रूप में पहचाना है और सत्य प्रधान दृष्टि से जीने को दिव्य मानव के रूप में पहचाना है। तो दृष्टि में अगर देखेंगे तो मानवीयता से अति मानवीयता की ओर जब हम गति करते हैं तो दृष्टि क्रमशः धर्म प्रधान और सत्य प्रधान होती है। वैसे ही स्वभाव को देखेंगे तो धीरता, वीरता, उदारता के साथ क्रमशः दया, कृपा एवं करुणा का प्रकटन होता है। इस दया, कृपा और करुणा के साथ जीते हुए हम सर्व मानव के लिए सर्वाधिक उपकारी हो पाते हैं, लोकोपयोगी हो पाते हैं। इसी संदर्भ में हम लोगों ने फिर ये बात की थी कि एक मानव के व्यवस्थित होकर के जीने में सुविधा का क्या प्रयोजन है। तो ये कहा था कि सामाजिकता के निर्वाह में सुविधा की महत्वपूर्ण भूमिका है, शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में और समाज गति के अर्थ में, समाज की व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने के संदर्भ में सुविधा का महत्वपूर्ण रोल है। तो सुविधा के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझने की है कि शेष प्रकृति पर श्रम नियोजन उसके लिए आवश्यक है। मनुष्य जब शेष प्रकृति पर यानी मानवेतर प्रकृति पर श्रम का नियोजन करता है तभी किसी सुविधा का उत्पादन होता है। और ये सुविधा हमारे शरीर के पोषण संरक्षण के लिए और समाज की व्यवस्था में सुचारू ढंग से भागीदारी करने के लिए आवश्यक है। हम आप सभी अपनी ज़िंदगी में इस बात को देख सकते हैं कि किसी न किसी मात्रा में सुविधा की आवश्यकता हम सबों को होती ही है। इन भौतिक रासायनिक वस्तुओं की आवश्यकता हम में से हर किसी को होता ही है। तो ये जो मूल लक्ष्य हम लोगों ने पहचाना, निर्भ्रमता को, सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त होने को, जागृति को, समझदारी को, समाधान को,
ये अलग अलग नाम दे रहे हैं हम उसी एक वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए। तो मनुष्य में विश्राम को देखें, निरंतर तृप्ति को देखें, तो जागृति पूर्वक ही होती है, निर्भ्रमता पूर्वक ही होती है। जब तक भ्रम है तब तक कहीं ना कहीं दुख है ही, समस्या है ही। तो जीवन जो आत्मा बुद्धि चित्त वृत्ति और मन का संयुक्त रूप है, इसकी निर्भ्रमता को क्रमशः अनुभव, बोध, प्रतीति, आभास और भास ऐसा नाम दिया गया है। और ऐसे निर्भ्रम जीवन में देखें तो पूरा जीवन ही तृप्त होता है। उस तृप्ति को अगर अलग अलग स्तर पर देखें तो मन की तृप्त स्थिति को सुख के रूप में, वृत्ति की तृप्त स्थिति को शांति के रूप में, चित्त की तृप्त स्थिति को संतोष के रूप में, बुद्धि की तृप्त स्थिति को आनंद के रूप में तथा आत्मा की तृप्त स्थिति को परम आनंद के रूप में पहचाना गया है। तो ये जो विश्राम की उपलब्धि है, ये जो तृप्ति की उपलब्धि है, ये निर्भ्रमता पूर्वक ही होती है, जागृति पूर्वक ही होती है। तो अगला प्रश्न ये बनता है कि अगर ये निर्भ्रमता हमारी चाहना है, ये जागृति हमारी चाहना है, तो मिले कैसे, सुनिश्चित कैसे हो? तो उस संदर्भ में हम लोगों ने कर्मफल सिद्धांत की बात की थी और ये कहा था कि हर कर्म का एक निश्चित फल होता है। तो हर मानव की जो मूल चाहना है वो तो सुख रूपी फल को पाने की है, लेकिन एक बार अगर ये समझ में आ जाए कि निर्भ्रमता से ही सुख की सुनिश्चितता होती है, तो निर्भ्रमता रूपी फल को पाने के लिए जो आवश्यक कर्म है उसको हम करते हैं। और ये समझ में आता है कि अध्ययन और अभ्यास ही वो महत्वपूर्ण कर्म है जिसके आधार पर हमें निर्भ्रमता सुनिश्चित होती है। इसमें समझने की बात महत्वपूर्ण यह है कि मानव कर्म करते समय स्वतंत्र है, उसको निर्णय लेने का अवसर है, अधिकार है। इस निर्णय लेने का अवसर होने के कारण वो अर्थ का सदुपयोग भी कर सकता है और भ्रमवश दुरुपयोग भी कर सकता है। तो हमारे पास मन, तन और धन रूपी जो साधन हैं उसका अगर हम सदुपयोग करते हैं तो हमारा विकास होता है, और भ्रमवश दुरुपयोग करते हैं तो ह्रास होता है। इसी के साथ हम लोगों ने यह भी बात की थी कि ये जो निर्भ्रमता रूपी लक्ष्य है, निरंतर सुख रूपी लक्ष्य है, इसको पाने के लिए हम कुछ इंटरमीडिएट गोल्स बनाते हैं, अंतरिम लक्ष्य बनाते हैं, और उन अंतरिम लक्ष्य को पा करके हम अंततोगत्वा इस निरंतर सुख रूपी लक्ष्य को पाना चाहते हैं। तो भ्रमवश कुछ लोगों ने चार विषयों को ही, आहार, निद्रा, भय, मैथुन को ही अपने सुख का आधार माना। कुछ लोगों ने तीन एषणाओं में जीने को, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा में जीने को सुख का आधार माना, जबकि कुछ लोगों ने भ्रम मुक्ति को, पूरी तरह से जागृत होने को इस सुख का आधार पहचाना है। इनमें से जिसको भी हम सुख के आधार के रूप में पहचान लेते हैं वो हमारा लक्ष्य बन जाता है। किसको हम स्वीकारेंगे ये हमारे संस्कार पर निर्भर करता है, हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है, अभी तक का हमारा अध्ययन का क्या स्थिति रहा है उस पर निर्भर करता है तथा वातावरण के प्रभाव पर निर्भर करता है। तो हम जिन चीज़ों को भी अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार लेते हैं वो हमारे संस्कार या दृष्टि पर निर्भर करता है, हमारी समझ की क्या स्थिति है उस पर निर्भर करता है, और वातावरण की अनुकूलता या प्रतिकूलता पर निर्भर करता है। फिर हम लोगों ने यह भी समझने का कोशिश किया था कि जिस वस्तु को भी हम लक्ष्य के रूप में स्वीकार लेते हैं उसी को पाने के लिए हम प्रयास करते हैं, जिस दिशा में हम प्रयास करते हैं उसी दिशा में हमारी गति होती है और देर सवेर उसी रूप में फल मिलता है। इसलिए ये लक्ष्य निर्धारण आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार इस जगह पर चूक हो जाए तो हम कितना भी प्रयास करें हमको वो फल नहीं मिलेगा जिसकी हमको अपेक्षा है। तो लक्ष्य को हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांट करके देखा था, श्रेय और प्रेय। प्रेय का तात्पर्य जो हमको प्रिय लगता है उससे है, जरूरी नहीं है कि वो वास्तव में हमारे लिए अच्छा ही हो। जबकि श्रेय को देखेंगे तो जो वास्तव में हमारे लिए श्रेष्ठ है, शुभ के अर्थ में है, उससे है। तो प्रेय मार्ग में चलने से हम वातावरण को अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, तो संवेदनाओं में अनुकूलता मिल जाए, दूसरे मनुष्य हमारे अनुकूल हो जाएं, ऐसा प्रयास करते हैं। जबकि श्रेय मार्ग में चलते हुए
हम अपने संस्कारों के परिमार्जन पर ध्यान देते हैं, स्वयं के सुधार पर ध्यान देते हैं, अपने कर्तव्यों के ठीक ठीक निर्वहन पर ध्यान देते हैं। और हम लोगों ने ये बात कही थी कि कोई भी वस्तु हमारे लिए श्रेय है या प्रेय है, कोई भी लक्ष्य हमारे लिए श्रेय है या प्रेय है, शुभ वास्तव में है या सिर्फ शुभ जैसा लगता है, उस अंतर को अगर देखने जाएं तो ये बात हम लोगों ने कही थी कि वो अस्तित्व सहज है या नहीं, स्वयं में संगीतमयता को लाता है या नहीं, और सर्वशुभ के अर्थ में परिवार और समाज में व्यवस्था को सुनिश्चित करता है या नहीं, इस आधार पर श्रेय की पहचान होती है। तो अस्तित्व सहज होना, स्वयं में संगीतमयता को सुनिश्चित करना और सर्वशुभ के अर्थ में व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाना, यही श्रेय का तात्पर्य है। तो श्रेय मार्ग को अगर देखें तो धर्म पूर्वक अर्थ और काम को सुनिश्चित करते हुए मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त होने के लिए प्रयास करना, यही श्रेय का मार्ग है। तो ये जो मानव का लक्ष्य है, जिसको हम लोगों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में पहचाना था, उसमें धर्म पूर्वक अपनी सुविधा की, अर्थ की आवश्यकता को पूरा करना, अपनी कामनाओं को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के अर्थ में काम को सुनिश्चित करना, ये आवश्यक है। लेकिन अर्थ और काम का सुनिश्चित होना धर्म पूर्वक जरूरी है, और धर्म पूर्वक अर्थ और काम को सुनिश्चित करते हुए हम सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त होने के लिए क्रियाशील हो सकते हैं, प्रयासरत हो सकते हैं। तो धर्म पूर्वक जीने का तात्पर्य बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम के पालन से है। कहाँ कहाँ इसका पालन करेंगे तो ये समझ में आता है कि व्यक्ति के रूप में जीते हुए, परिवार के रूप में जीते हुए, समाज के रूप में जीते हुए, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्र के रूप में जीते हुए हम इसका पालन करते हैं। तो सिर्फ अर्थ और काम के लिए जीना प्रेय के अर्थ में जीना है, जबकि धर्म पूर्वक अर्थ और काम को सुनिश्चित करते हुए मोक्ष के लिए प्रयास करना, ये श्रेय के अर्थ में जीना है। तो श्रेय के अर्थ में ही प्रेय की सार्थकता है। प्रेय स्वयं में लक्ष्य नहीं है, बल्कि श्रेय के लिए साधन की तरह है। तो प्रेय को देखें तो श्रेय के अर्थ में जब उसको हम साधन की तरह प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए सहयोगी है। श्रेय को भूल करके जब हम प्रेय के आधार पर सुख सुनिश्चित करने जाते हैं तो वो हमारी समस्या का कारण बनता है। तो धर्म पूर्वक जीने को हम लोगों ने बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम के रूप में पहचाना था। बौद्धिक नियम को हम लोगों ने असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय के रूप में विस्तार किया था, और ये कहा था कि बौद्धिक नियम वो नियम हैं जिनके आधार पर हमारे जीवन की सभी क्रियाएं व्यवस्थित होती हैं, उनमें संगीतमयता आती है। और उसके साथ ये भी बात की थी कि ये बौद्धिक नियम ही प्राकृतिक नियम और सामाजिक नियम का आधार है। तो सामाजिक नियम जो स्वधन, स्वनारी पुरुष और दयापूर्ण व्यवहारकारी के रूप में है, तथा प्राकृतिक नियम जिसके तहत हम शेष प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता का निर्वाह करते हैं, इन दोनों के मूल में बौद्धिक नियम है। उन बौद्धिक नियमों में भी असंग्रह और स्नेह की प्रधानता है। तो स्नेह सामाजिक नियम की प्रेरणा है और असंग्रह प्राकृतिक नियम पूर्वक जीने की प्रेरणा है। तो प्राकृतिक नियम से जीते हुए हम प्रकृति की आवर्तनशीलता का ध्यान रखते हैं। प्रकृति में जिस रेट से, जिस दर से, जिस गति से किसी वस्तु का उत्पादन होता है, उसी अनुपात में हम उसका उपयोग सदुपयोग करते हैं और प्रकृति की अन्य इकाइयों के साथ पूरकता को भी सुनिश्चित करते हैं। तो सामाजिक नियम के आधार पर जीने से दूसरे मनुष्यों के साथ हमारा जीना व्यवस्थित होता है, और प्राकृतिक नियम के साथ जीने से पूरी शेष प्रकृति के साथ हमारा जीना व्यवस्थित होता है। तो हमारे व्यवहार और हमारे व्यवसाय के व्यवस्थित होने का आधार क्रमशः सामाजिक और प्राकृतिक नियम है। तो बौद्धिक नियम पूर्वक स्वयं में व्यवस्था सुनिश्चित होती है, जीवन क्रियाओं में संगीतमयता सुनिश्चित होती है, तथा सामाजिक और प्राकृतिक नियम पूर्वक परस्परता में दूसरे मनुष्य और शेष प्रकृति के साथ हमारा जीना व्यवस्थित होता है। इसी के साथ हम लोगों ने ये बात भी की थी कि ये जो मानव के पांच ऐश्वर्य हैं, रूप, बल, पद, धन और बुद्धि,
इसका हर स्तर पर सदुपयोग होना जरूरी है। इनका सदुपयोग ही न्याय है, इनका दुरुपयोग ही अन्याय है। तो इसके सदुपयोग पर हम लोगों ने बात किया था कि रूप का सदुपयोग सच्चरित्रतापूर्वक, बल का सदुपयोग दयापूर्वक, बुद्धि का सदुपयोग विवेक एवं विज्ञानपूर्वक, पद का सदुपयोग न्यायपूर्वक तथा धन का सदुपयोग उदारतापूर्वक सफल होता है। और जनमानस में ऐसी प्रेरणा देने के लिए, इसमें निष्ठा और विश्वास उत्पन्न करने के लिए व्यवस्थापक, विधायक, विद्वान, विचारक, प्रचारक, इन सबों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये सभी वैसे मनुष्य हैं जिन्होंने वास्तविकताओं को ठीक ठीक समझा है। हर स्थिति परिस्थिति में कैसे जिया जाए, इसका उत्तर समाधान के रूप में उनके पास है। खुद वैसा जीते हैं और दूसरों को वैसा जीने की प्रेरणा दे पाते हैं। दूसरों को जहाँ कहीं भी समस्या होती है, उस अर्थ में उसका उत्तर, उसका समाधान प्रस्तुत कर पाते हैं। फिर हम लोगों ने ये बात की थी कि व्यवस्था के सुचारू ढंग से चलने के लिए उसके बेसिक गाइडलाइंस का ठीक होना ज़रूरी है। तो ये जो मानव के पास मन, तन और धन रूपी अर्थ हैं, इसके सदुपयोग और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्रमशः धर्म नीति और राजनीति की आवश्यकता है। तो अर्थ की यानी मन, तन और धन की सदुपयोगात्मक नीति को धर्म नीति के रूप में पहचाना था और इसकी सुरक्षा हेतु जो नीति है उसको राजनीति के रूप में पहचाना था। इस धर्म नीति और राजनीति की आवश्यकता इसलिए है ताकि मानव मानव की परस्परता में पोषण सुनिश्चित हो सके और शोषण की संभावना ही समाप्त हो जाए। तो धर्म नीति के विस्तार के तहत हम लोगों ने ये बात कही थी कि मनुष्य मनुष्य की परस्परता में संबंध पूर्वक जिए, संपर्क में ठीक ठीक निर्वाह करे, इसी आधार पर व्यवस्था समाज की सफल होती है और हम अपने में सतत तृप्ति का अनुभव करते हैं, जो हमारा मौलिक धर्म है। तो अलग अलग संबंधों में किन मूल्यों के साथ जीना हमारे लिए स्वीकृत होता है, उसको काफ़ी विस्तार से हम लोगों ने बात किया था। बहुत संक्षेप में उसको देखेंगे तो जहाँ से हमको सहयोग मिल रहा है उनके प्रति कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा का भाव, जहाँ हम दूसरों को सहयोग कर रहे हैं वहाँ ममता और वात्सल्य का भाव, तथा अपने बराबर वालों के साथ जीते हुए विश्वास, सम्मान, स्नेह का भाव, इन भावों की प्रधानता दिखती है अलग अलग संबंधों में। और प्रेम मूल्य में ये सभी मूल्य समाहित हैं ही, इसलिए प्रेम पूर्वक जीने के आधार पर स्वाभाविक रूप से इन सभी मूल्यों की सुनिश्चितता हो जाती है। तो संबंध के सुनिश्चित होने का जो आधार है वो विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम, इन मूल्यों को सुनिश्चित करना है। इसी के तहत हम लोगों ने राजनीति के संदर्भ में भी थोड़ी बात की थी कि अगर मन, तन, धन रूपी अर्थ के संरक्षण को सुनिश्चित करने जाते हैं तो उसकी क्या विधि और प्रक्रिया हो, ताकि हर आदमी का व्यवस्था के ऊपर भरोसा हो सके। फिर हम लोगों ने ये बात किया कि अपने में नियम, न्याय और समाधान या धर्म का पालन करते हुए सत्य में अनुभूत होने के लिए हम क्या करें। तो ये जो मानव के जीने के चार आयाम थे, अनुभव का आयाम, विचार का आयाम, व्यवहार का आयाम, व्यवसाय का आयाम, तो नीचे से उसको देखें तो नियम पूर्वक व्यवसाय व्यवस्थित होता है, न्याय पूर्वक व्यवहार व्यवस्थित होता है तथा समाधान या धर्म पूर्वक विचार व्यवस्थित होता है। इन तीनों के व्यवस्थित होने के साथ हम सत्य में अनुभव के लिए प्रयास कर सकते हैं, जिसकी दो विधियां हैं, अध्ययन विधि और अनुसंधान विधि। इसमें से किसी भी विधि से हम सत्य में अनुभूत हों, एक बार आत्मा सत्य में अनुभूत होती है तो उसके आधार पर जीवन की बाकी सभी क्रियाएं व्यवस्थित हो पाती। तो ऐसे जागृत मनुष्य को देखेंगे तो उनमें आत्मा की प्रेरणा से बुद्धि, बुद्धि की प्रेरणा से चित्त, चित्त की प्रेरणा से वृत्ति, वृत्ति की प्रेरणा से मन तथा मन की प्रेरणा से क्रमशः प्राण, हृदय, शरीर, व्यवहार संचालित होते हैं। तो अनुभव प्रामाणिकता के आधार पर बुद्धि में बोध और संकल्प, इस बोध और संकल्प के आधार पर चित्त में चिंतन और चित्रण, इस चिंतन और चित्रण के आधार पर वृत्ति में तुलन और विश्लेषण,
तथा इस तुलन और विश्लेषण के आधार पर मन में आस्वादन और चयन, यही इनके व्यवस्थित होने का स्वरूप है। ऐसा व्यवस्थित मानव स्वयं में निरंतर तृप्ति यानी सुख, शांति, संतोष, आनंद को अपने में अनुभव करता है। तो आत्मा में अनुभव की क्रिया होना और उसके आधार पर जीवन की सभी क्रियाओं का इस स्वरूप में व्यवस्थित होना, यही एक जागृत मानव का स्वरूप है। ऐसे जीवन को ही हम निर्भ्रमित जीवन के रूप में, सर्वतोमुखी समाधान संपन्न जीवन के रूप में, भ्रम मुक्त जीवन के रूप में, मोक्ष संपन्न जीवन के रूप में पहचान रहे हैं। एक बार अपने में ये जागृति सुनिश्चित हो जाती है तो हम परस्परता में व्यवस्थापूर्वक जीते ही हैं। तो ऐसा भ्रम मुक्त जीवन, ऐसा जागृत जीवन स्वयं में नित्य तृप्त रहता है, परस्परता में मानवीयतापूर्ण आचरण से अभिव्यक्त होता है। तो ऐसे जीवन के अगर चारों आयाम को देखें तो चारों आयामों में मध्यस्थता स्थापित होती है। मध्यस्थता स्थापित होने का मतलब किसी भी प्रकार के पक्षपात का, अतियों का, व्यतिरेकों का, दोषों का अभाव होता है। दूसरी भाषा में कहें तो अनुभव सत्यपूर्ण होता है, विचार धर्मपूर्ण या समाधानपूर्ण होता है, व्यवहार न्यायपूर्ण होता है और कार्य या व्यवसाय नियमपूर्ण होता है। इस सत्य में अनुभूत मानव के जीवन को अगर विस्तार से देखें तो 122 आचरणों के रूप में उसका विस्तार किया गया है। आप अपने टेक्स्ट बुक में इसको देख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने उस विस्तार में नहीं जा करके संक्षेप में उसे जीवन की 10 क्रियाओं के रूप में समझने का कोशिश किया और इन 10 क्रियाओं के सुनिश्चित होने के आधार पर हमारी निर्भ्रमता यानी भ्रम मुक्ति सुनिश्चित होती है, वही रहस्य मुक्ति है। एक बार जीवन अपने में रहस्य मुक्त होता है, निर्भ्रम होता है, तो इस आधार पर स्वयं में सतत तृप्त रहता है, परस्परता में तृप्ति का स्रोत बनता है जो सर्व मानव की चिर आकांक्षा है। इतने के साथ हम लोगों ने कोर्स के तीसरे भाग पर शिफ्ट किया कि ऐसी समझ के साथ आज की समस्याओं को हम देखते हैं तो उसका निराकरण कैसे इससे होता है। तो बहुत संक्षेप में देखें तो आज के दिन जितनी भी समस्या हमको दिखती है वो या तो मानव के स्वयं में व्यवस्थित नहीं होने के कारण है या समग्र व्यवस्था में ठीक ठीक भागीदारी नहीं कर पाने के कारण है। तो सभी समस्याओं के मूल निराकरण को अगर देखें तो स्वयं में तृप्ति का अभाव और परस्परता में मानवीय आचरण का अभाव, ये उसके मूल कारण के रूप में समझ में आता है। इसलिए निराकरण भी यही दिखता है कि जीवन में नित्य तृप्ति सुनिश्चित हो जाए, परस्परता में मानवीयतापूर्ण आचरण सुनिश्चित हो जाए, जिसके बारे में ही हम पूरे कोर्स में विस्तार से बात किए हैं। तो इस पूरी समझ के साथ हम स्वयं में तृप्त रहते हैं, परस्परता में मानवीयतापूर्ण आचरण से जीते हैं। ऐसा जीने से सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हम समस्या नहीं पैदा करते, बल्कि जहाँ कहीं भी समस्या होती है हम उसके निराकरण में कुछ भूमिका, कुछ भागीदारी का निर्वाह कर पाते हैं। इतने के साथ हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको कक्षा को समाप्त करने के पहले 2-3 बातें और फिर से ध्यान दिला दूं। एक तो ये कि इसमें कही गई बातों को मानने की ज़रूरत नहीं है, जांच परख करने की ज़रूरत है। और ये जांच परख कोई कागज़ कलम में, पेन पेंसिल में होने वाली बात नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में जीते हुए इन बातों की जांच परख कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जितना जितना अपने में इस जांच परख के काम को हम करते हैं उतना उतना हमारी जीवन क्रियाओं में संगीतमयता सुनिश्चित हो जाती है, उतना उतना परस्परता में हमारा जीना व्यवस्थित होता चला जाता है। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसको आपने पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे लिया, पास कर गए और बातें पूरी हो गई, क्योंकि इस कोर्स की आवश्यकता तो जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, जब तक मानव है, तब तक ही होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तृप्ति की चाहना हमको क्लासरूम में है, उसके बाहर नहीं है, एक कोर्स में है, दूसरे कोर्स में नहीं है, बल्कि हम कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में जी रहे हैं, तृप्ति ही वो मूल कारण है, वो मूल ड्राइविंग फोर्स है जिसके आधार पर, जिसको पाने के लिए हम किसी भी क्रियाकलाप को करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस जाँच पर रख के काम को किया जाए, ज़िंदगी की इस यात्रा में हम इस निरंतर तृप्ति को पा सकें,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस कोर्स को यहाँ पर पूरा करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद। और कभी भी अगर हमसे आपको संपर्क करना हो तो मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर मार्क है, siamk707@gmail.com, siamk707@gmail.com। धन्यवाद।